जय माता दी। दशम अध्याय, शुंभ वध। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही तीन उनके नेत्र हैं, तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं के तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अनेक निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा दैत्य उन्हें चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख
देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय ओम तत्सत।